एक मिनट, यहाँ काटा है ना जी जी, यहाँ पे एक बंद लगाना है कस के। ताजी यहाँ से पकड़ा आपने? हाँ यहाँ से मिला है, अभी पकड़ा है। अच्छा। वैसे भी ये काम का था मेरे, आज मिल गया है मुझे। ये कोबरा स्नेक है, कोबरा। कोबरा स्नेक। ताजी अगर ये खुदा ना खास्ता इंसान को काट लेता है, अगर नज़दीक कोई अस्पताल वगैरह या कोई डॉक्टर ना हो तो इसका फौरी हल है, कोई इलाज इसका किया जाए? हाँ इसका हल है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आपकी खेती है? जी ये हमारी खेती है, फसलें हमारी है सारी। अच्छा जी, एक मिनट, अच्छा ये आपके खेत हैं? जी ये हमारे खेत। अल्लाह ना करे ये किसी को काट लेता है ना जी, जब ये काटता है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके पास कोई हॉस्पिटल वगैरह या कुछ भी आपके नज़दीक नहीं है जो इलाज कर सकता है इसका? कोई सन्यासी या कोई भी जो इलाज इसका करते हैं वो आपके पास नहीं मौजूद है? जी जी। वक्ती क्या करना चाहिए? अगर आपके पाँव पे काट लिया इसने, एक मिसाल है जी, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर ना, यहाँ काटा है ना जी जी, यहाँ पर एक बंद लगाना है कस के एक रस्सी से जी, एक यहाँ से लगा देना है, एक यहाँ से लगा देना है, एक यहाँ से लगा देना है जी जी, जितनी जल्दी हो सके ये कस के बंद लगाने हैं। ऐसा है कि खून को रोक देना है, सही, खून की गर्दिश को आपने रोकना है। तकलीफ़ होगी लेकिन आपने उस तकलीफ़ को सहना होगा, इसकी जहर को रोकना होता है। सही। जब इसकी जहर रुक जाती है ना तो आप कहीं भी आसानी से दूर तक पहुँच सकते हैं, जहाँ भी आपके पास हॉस्पिटल वगैरह या कोई भी इलाज करता हो इसका जी, आप वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। आपके पास 2-3 घंटे 4 घंटे टाइम हो जाता है वो बंद लगाने से। सही। ऐसे उसे खुला नहीं छोड़ना, आपको काट लिया है आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, ये कस के बंद लगा देने जी, बंद लगा देने। अगर आप कर सको तो वहाँ पे जिस जगह पे इसने काटा होता है जी जी, कोई तेज़ निस्तर हो आपके पास तो आपने वहाँ से एक पच मारना है, पच लगा देना है, जगह को काटना है थोड़ा सा। सही। खून निकालना है, खून निकाल देंगे जी तो भी जहर का असर जिस्म में नहीं जाएगा जल्दी से। सही। आप फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं जल्दी, आप आराम से कहीं 2-3 घंटे 4 घंटे आपके पास टाइम होता है, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, जहां भी अस्पताल वगैरह कहीं नज़दीक होता है या दूर होता है आप आसानी से पहुँच सकते हैं वहाँ। ठीक है ना, तरीका समझ में आ गया है ना? हाँ जी आ गया। बस ऐसा ही है, आप वक्ती ऐसा ही कर सकते हैं, और तो कोई हल होता नहीं आपके पास। आप लोगों को क्या पता होता है कि ये इसका क्या करना है? हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं जी। हाँ अक्सर ज़िम्मेदारों को तो ये किसान लोगों को ये अक्सर मिलते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमें बहुत खेती बाड़ी वाले लोगों को, तो आपने यही करना है। ठीक है ना? सही हो गया। अभी देख लिया ये आपके खेत से ही पकड़ा है अभी जी जी, ढूंढने आया था मैं, आज निकला हूँ तलाश में कि कोई ना कोई सांप मिले मुझे, यहाँ आया हूँ तो यहाँ से मुझे ये मिल गया है, यहाँ से बैठा था ये जी, और मैंने इसको पकड़ा है। अभी मैं इसको छोड़ दूँगा, एक आधा दिन अपने पास रखूँगा। लेकिन दूर दूर जगह छोड़ देना,
दूर ही छोड़ेंगे, आपके नज़दीक तो नहीं छोड़ेंगे। बहुत मेहरबानी। ठीक हो गया जी, जी मैं ठीक। उस्ताद जी, ये सांप बहुत ख़तरनाक होता है, इसे मार देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं नहीं, इसे मारना नहीं चाहिए, ये ख़तरनाक ज़रूर होता है, लेकिन ये किसी को ऐसे ही जानबूझकर नहीं डसता, ये तब ही डसता है जब इसकी खुद की जान को ख़तरा होता है। जब इस पर कोई बंदा अटैक करता है या मसलन किसी का पाँव आ जाता है इसके ऊपर, जी जी, ये तब ही डसता है अपने आप आकर, ये किसी को नहीं डसता, ये किसी को नुकसान ऐसे ही नहीं पहुंचाता। ख़तरनाक तो साफ ज़ाहिर ये होता ही है जी, किसी को डस ले तो काम तो ख़तरनाक ही है, लेकिन इसे मारना नहीं चाहिए। इसे, ये एक जगह पे नहीं रहता जी, आज आपको यहाँ मिला है कल नहीं मिलेगा, ये कहीं दूर चला जाता है, ये एक ही जगह पे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, ठीक है ना जी, इसका कोई एक ठिकाना नहीं होता, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए। आज आपको नज़र आया कल नहीं आएगा, ये कहीं दूर चला जाता है, ठीक है ना जी, तो इसे मारना नहीं चाहिए। ये खुद ब खुद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब इसकी खुद की जान पे खतरा होता है तभी ये किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, तो इसे मारना नहीं चाहिए।